न्यायालय का फिर आया फरमान, राहुल को नहीं मिलेगा अभी कोई मान। राहुल के वकील ने दिया तर्क तो जज ने अपनी कलम उठाकर लिख दिया ये फैसला, जिसके बाद राहुल गांधी की और बढ़ गई है मुश्किलें। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस क्या अपनाएगी रणनीति, कांग्रेस के हार और जीत की कितनी उम्मीद। मुकदमों की बारिश झेल रहे राहुल गांधी को अभी भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। राहुल के पीछे बुरा समय ऐसे पड़ा है जैसे बारिश के बीच काले बादल। राहुल लाख चाहते हैं कि उनको इस मुसीबत से छुटकारा मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। राहुल लगातार विवादों में उलझते जा रहे हैं और इन्हीं विवादों के कारण राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस को आगामी चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब जब लोकसभा सहित आगामी निकाय चुनाव करीब हैं, तो राहुल गांधी को कोर्ट के द्वारा लगातार फटकार लगाई जा रही है, जिसके कारण कांग्रेस समर्थकों का भी मनोबल गिरता जा रहा है। यानी आगामी चुनाव में कांग्रेस समर्थक जितने उल्लास से भागीदार हो सकते थे, अब वो उल्लास फीका पड़ रहा है, क्योंकि चोट सीधे कांग्रेस के कर्ता धर्ता राहुल गांधी को लग रही है। दरअसल राहुल गांधी को एक बार फिर कोर्ट ने मानहानि वाले मुकदमे में राहत देने से मना कर दिया है। इस पर राहुल गांधी के वकील ने बहुत सारे तर्क दिए हैं, लेकिन न्यायाधीश महोदय ने सभी तर्कों को तर्कविहीन कर दिया और राहुल गांधी को राहत देने से मना कर दिया। आज हम आपको वही तर्क बताने जा रहे हैं जो राहुल गांधी के वकील ने जज के सामने रखे, और फिर वो बात भी बताएंगे जिसको आधार मानकर न्यायाधीश ने राहुल गांधी के वकील के सभी तर्कों को तर्कविहीन कर दिया। और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी को राहत न मिलने से कांग्रेस समर्थकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका लाभ भाजपा और सपा को कितना मिलेगा। क्या राहुल पर लगा मानहानि का ये मुकदमा आगामी चुनाव की दशा और दिशा बदलने में सहायक होगा। दरअसल गुजरात उच्च न्यायालय ने बीते मंगलवार को मोदी उपनाम मानहानि मामले में दोष सिद्ध पर रोक लगाने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आदेश अपने पास सुरक्षित रखा है। यानी न्यायालय ने राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है। जैसा कि बीते दिनों राहुल गांधी ने उनकी मोदी उपनाम टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की न्यायालय से मांग की गई थी। इसी मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। बस इसी के बाद राहुल को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराया गया था। वहीं इस मामले को लेकर राहुल गांधी के वकील ने तर्क दिया था कि एक जमानती गैर संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम 2 साल की सजा का मतलब है कि वो अपनी लोकसभा सीट स्थायी रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से खो सकते हैं, जो उस व्यक्ति और निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है। यानी राहुल के वकील का कहना है कि किसी जमानती अपराध के लिए किसी प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने से मना कर देना, ये उस जनता के साथ भी अन्याय है जिनका वो नेता प्रतिनिधित्व करता है। वहीं राहुल के वकील ने आगे तर्क देते हुए कहा कि कथित अपराध गैर गंभीर प्रकृति का था और इसमें नैतिक अदमता शामिल नहीं थी, और फिर भी गांधी की दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाने के कारण उनकी अयोग्यता उन्हें और उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करेगी। यहां हम राहुल के वकील के तर्क को सरल भाषा में समझे तो राहुल के वकील ने कहा कि राहुल ने जो बोला है वो गंभीर अपराध नहीं है, क्योंकि उसमें नैतिकता का हनन शामिल नहीं है। ऐसे में उनसे चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लेना उनके निर्वाचन क्षेत्र को प्रभावित करेगा। राहुल के वकील ने अंतिम रूप से कहा कि आपराधिक मानहानि का शायद ही कोई ऐसा उदाहरण होगा जहां एक अभियुक्त को 3 से 6 महीने से अधिक सजा सुनाई गई होगी, लेकिन इसी पर न्यायाधीश हेमंत ने कहा कि इस चरण में अंतिम चरण प्रदान नहीं किया जा सकता, ये तभी संभव है जब सभी रिकॉर्ड और कार्यवाही को पढ़ लिया जाए। यानी अंतिम फैसला गर्मियों की छुट्टियों के दौरान आने की उम्मीद है। ज्ञात है कि राहुल को जिस मामले में सजा मिली है उस मामले के कानून को बनवाने में राहुल का अहम योगदान था, और 2013 में राहुल गांधी ने मानहानि वाले इसी कानून का समर्थन किया था। विदित है कि सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भाजपा विधायक पुर्णेश मोदी द्वारा दायर मामले में आपराधिक मानहानि के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। विधायक ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।